गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बीपीएससी के एक और क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2001 में एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 96,000 है। यदि प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों की संख्या 20% की वृद्धि होती है, ध्यान देने के बाद है प्रत्येक वर्ष बोला है कर्मचारियों की संख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है। तब दो वर्ष बाद बताना है अपने को, 2 वर्ष बाद कंपनी में कितने कर्मचारियों की संख्या होगी, मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बड़ी हुई बतानी है अपने को। तो ये तो बहुत मतलब क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बताया छोटा। आइए देख लेते हैं कैसे। अभी प्रेजेंट में कितनी है, 2001 में, 2001 में कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, कितनी है, 96,000, ठीक है जी, 96,000 है। अब प्रत्येक प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी कि आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2004 में, 1, 2, 2, 3 में बढ़ेगा और 2004 में कितनी हो जाएगी, मतलब आफ्टर 2 ईयर हो जाएगा 96,000 इंटू में 120/100 इंटू में 120/100, ठीक है। इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि आप इसे बाद में ना करिए, पहले इसका निकाल लीजिए, फिर जो आएगा आंसर वो उसको इससे करिए, या फिर इकट्ठा कर लीजिए, बाद एक ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप 0 0 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करिए और आंसर लीजिए। ये मतलब थोड़ा आसान सवाल था, ठीक है। तो इन लोगों को ना करेंगे तो 96 इंटू में 144 0, तो 144 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144 96 से, तो 6 6 24, 2 6 6 24 25 26, 2 6 और 8 गुना 9 6 36, 9 6 36 और 39, 3 9 और 12, ठीक है, 4 2 9 9 18, 3 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया अपना 138, एक्चुअली नहीं से ज़्यादा तो मैं ही टेढ़ा हो जाता हूँ, 138 8 2 4 0, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये 2004 की पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है, 2 साल बाद। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है जी।